वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। इन प्लांट्स को आप दोबारा लाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। कौन कौन से प्लांट है वो मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। चलिए सबसे पहला प्लांट आपको मैं बताती हूँ, ये है हमारा स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट आप अपने गार्डन में एक बार ऐड कर लेंगे तो दोबारा लाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लांट की इस तरह से बेबी प्लांट निकलते हैं, तो आप इनको तोड़ के अपनी मिट्टी में लगा सकते हैं तो आपका दूसरा प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, मैंने एक प्लांट से कई प्लांट बनाए हुए हैं। दो बास्केट तो मैंने तैयार कर ली है और मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये एक पॉट्स में ये भी लगाया हुआ है और इधर भी देख सकते हैं आप, इसको भी मैंने लगाया हुआ है। ये सिर्फ एक प्लांट लेके आई थी, उसकी लाने के बाद का है ये। इतने सारे मैंने प्लांट इसके बना लिए हैं। और सबसे सुंदर खूबसूरत ये देखिए, एक छोटी सी बोतल में लगा हुआ है। 2 लीटर की बोतल को काट के मैंने इसके अंदर ये प्लांट लगाया और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। और दूसरा प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है हमारा कोलियस का प्लांट है। कोलियस प्लांट आप एक बार लगाएंगे तो आपकी गार्डन को पूरा भर देंगे। जैसे मेरा गार्डन पूरा कोलियस के प्लांट से भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक कलर कोई भी आप लिए ये, तो उसी से आप इतने सारे इसके प्लांट बना सकते हैं। अगर आपको इसकी इस प्लांट के कई कलर्स आते हैं तो आप कोई भी कलर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, सिर्फ एक बार लाने की ज़रूरत है। तो आपके गार्डन में हमेशा ये प्लांट बने रहेंगे, कभी ख़राब नहीं होता ये प्लांट। और ये कटिंग से लगता रहता है ये प्लांट, आप कोई भी इसका कलर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में भी कितने सारे कलर्स और कितने सारे ये प्लांट ऐड किए हुए हैं। ये सिर्फ कटिंग से ही मैंने अपने गार्डन में ऐड कर रखे हैं, बहुत सारे मैंने प्लांट अपने गार्डन में ऐड किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं खुद। और देखिए, तीसरा प्लांट मैं आपको बताती हूँ, सिंगोनियम प्लांट है। सिंगोनियम प्लांट को भी आप दोबारा लाने की गलती बिल्कुल मत करिए। ये प्लांट भी हमारा कटिंग से लग जाता है और इसमें एरियल रूट होती है, इसलिए इस वजह से ये प्लांट बहुत जल्दी से डिवाइड हो जाता है। अगर आपने एक बार अपने गार्डन में लगाया तो दोबारा आप कभी नहीं लेके आएंगे इस प्लांट को। ये देख सकते हैं इस तरह से इसमें एरियल रूट होती है और आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपने कट करना है और आपको अपने गार्डन में ऐड कर लेना है। तो आप एक प्लांट लेके आइए, उसी से आपके इतने सारे ये प्लांट हो जाएंगे। आप देख रहे प्लांट है, ये है हमारा ट्रेंगल हार्ट। ट्रेंगल हार्ट भी आपने एक बार लगा लिया तो वो दोबारा लाने की गलती आप बिल्कुल भी मत करिए। ये प्लांट भी हमारा कटिंग से लग जाता है और बहुत जल्दी से ये ग्रो हो जाता है। ये देखिए, एक बास्केट मैंने ये बनाई हुई है इसकी, और भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक छोटे से डब्बे के अंदर लगा हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी जो टहनियाँ हैं कितनी नीचे तक लटकी हुई है। ज़्यादा बड़ा ये पॉट्स भी नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। ये येलो एक हमारा जो किचन में विम की डब्बी आती है, साबुन वाली, जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं, ये वो वाली डब्बी है, उसी के अंदर मैंने लगाया है। आप खुद देख सकते हैं कितनी अच्छी ये ग्रोथ हो रही है। और आप इसको बस छोटी सी कटिंग से भी लगा सकते हैं, आपको इतनी भी कटिंग अगर कहीं मिल जाती है तो आप इसको मिट्टी में रख दीजिए। इसी से हमारा प्लांट कई गुना हमारे पास तैयार हो जाएंगे। तो इस प्लांट को जरूर लगाइए और इस प्लांट को पानी कम देने की जरूरत है, पानी बहुत कम देना है। जितने भी मैं प्लांट आपको बता रही हूँ सबको पानी बहुत कम देना है, चाहे आपका कोलियस है, चाहे आपका स्पाइडर प्लांट है, चाहे आपका ये है सिंगोनियम प्लांट है, ये ट्रेंगल हार्ट है। क्योंकि ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं ये सकुलेंट प्लांट है, इसकी पत्तियों में ही पानी इतना स्टोर रहता है, तो इस प्लांट को पानी कम चाहिए होता है। और सब प्लांट को शेमी शेड में रखना होता है। और मैं आपको दिखाती हूँ ट्रेंगल हार्ट, ये देखिए, ये देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा जो प्लांट है फैल जाता है। ये देख सकते हैं नीचे गिरी हुई है, बहुत ज्यादा नीचे गिरी हुई है, और इस तरह से ये लगने वाला प्लांट है। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से इसकी लंबी लंबी ब्रांच हो जाती है, तो आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, और ये आपको दिख रही है, ये अभी कुछ टाइम पहले ही लगाई है, कम से कम 2 महीने का ये प्लांट है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने छोटी छोटी बोतल में ही लगाई हुई है। तो और इसके बाद है 4th नंबर पे है ये हमारा मनी प्लांट है। मनी प्लांट भी आपने अगर अपने गार्डन में एक बार लिया है
तो इसको दोबारा लाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये प्लांट भी हमारा है कटिंग से लग जाता है और आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग से लगा सकते हैं, बल्कि आप इसको एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ से इसके नोड एरिया निकलते हैं और वहीं पे इसकी रूट होती है। देखिए यहीं पे इसकी रूट होती है और यहीं से हमें कट कर देना है और इसी को हमें मिट्टी में लगा देना है, तो यहीं से हमारा प्लांट ग्रो हो जाएगा और हमारे पास इतने ढेर सारे प्लांट हो जाएंगे। तो मनी प्लांट को भी आप जरूर अपने गार्डन में एक बार जरूर लगाइए, तो आपको दोबारा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्लांट को भी पानी कम देना है और इसको भी शेमी शेड में रखना है, बिल्कुल अंधेरे में मत रखिए। आप इसको बाहर आउटडोर रखिए, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप भी मिले और इसको छाया भी मिले, तो दोनों जगह इसको मिलनी चाहिए पानी का। देख सकते हैं आप मेरी, मैंने इनको पानी में भी लगाया हुआ है। ये है मनी प्लांट है, फिर ये सिंगोनियम है और इधर ये हमारा कुल इसका प्लांट है। दो तीन कटिंग्स मैंने इसकी लगाई है, मतलब दो तीन कलर्स इसके लगाए हैं। आप देख सकते हैं पत्ती भी कितनी अच्छी से ग्रो हो रखी है और आज तो बहुत तेज हवा चल रही है, ठंड हो रही है आज तो आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में ये कितना अच्छा लुक दे रहे हैं। स्नेक प्लांट की छोटी वाली वैरायटी है, आप इसकी कोई भी वैरायटी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने एक बार ये प्लांट लगा लिया तो दोबारा लाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये प्लांट भी बहुत जल्दी से डिवाइड हो जाता है। स्लो ग्रोथ प्लांट है ये, अपनी जो ग्रोथ है ये अपनी स्लो करता है, लेकिन ये डिवाइड बहुत जल्दी हो जाता है। आपने एक बार लगा लिया तो ये डिवाइड ही होता रहता है और छोटे छोटे पॉट्स में भी आप लगा सकते हैं। आप ये देखिए छोटे छोटे पॉट्स में मैंने इनको लगाया हुआ है, ये बल्कि पॉट नहीं है, ये हमारे छोटे छोटे जो कप है वो है ये, और टूटने के बाद मैंने इनको इसमें लगा दिया है। जैसे हमारे कप टूट जाते हैं तब आप उनको यूज़ करिए, नए कप आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं एक छोटा सा पॉट्स मैंने लगाया था और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, इसमें आप दो तीन प्लांट निकल चुके हैं और अभी मैंने सभी पौधों को पानी दिया है तो इनमें अभी पानी भरा हुआ है, ये दे आप देख सकते हैं। तो इन प्लांट्स को भी पानी कम चाहिए होता है। इन प्लांट को आप इंडोर रख सकते हैं, अपने गार्ड रूम में रख सकते हैं, गार्डन में तो रखेंगे ही लेकिन अपने रूम में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, कहीं भी आप इस प्लांट को रख सकते हैं। तो छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाता है, ये प्लांट काफ़ी सुंदर लगता है, तो इस प्लांट को दोबारा लाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और ये देखिए ये है हमारी वंडरिंग जू, इस प्लांट को भी आप एक बार लगाए दोबारा लाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। वंडरिंग जू है, वंडरिंग जू छोटी से छोटी कटिंग से लग जाती है और ये दो तीन वैरायटी में आती है। मेरे पास ये दो वैरायटी है, एक मतलब इसमें धारियां बनी होती है पत्तियों पे और एक बिल्कुल ग्रीन है, आप देख सकते हैं दोनों में बहुत ही डिफरेंट होता है। और अभी तो सर्दी का मौसम है तो इसमें कोई कलर्स नहीं आ रहा है और ये विंटर्स में अपनी ग्रोथ रोक देता है, लेकिन स्लो स्लो इसकी ग्रोथ फिर भी होती रहती है। गर्मियों में इसकी जो है ग्रोथ होती है वो फास्ट हो जाती है और है और बहुत ही खूबसूरत। आप इसको हैंगिंग बास्केट में जरूर लगाइए, इस तरह से हमारी यह बास्केट को जो है ये कवर कर देता है और खूबसूरत लगने वाले प्लांट है। आप ये देखिए मैंने दो बास्केट के अंदर इनको लगाया हुआ है, इस तरह से इसकी ब्रांच लटकती है और छोटी से छोटी कटिंग से ये लग जाता है। ये देखिए इसके अंदर एरियल रूट होती है तो उसी से हमारा जो प्लांट है ग्रो हो जाता है। आपने इतनी कटिंग लेनी है और इसी को मिट्टी में लगा देना है, फिर हमारा प्लांट जो है जल्दी से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट को भी पानी कम चाहिए होता है, आप इसको फुल धूप में भी रख सकते हैं और शेमी शेड में भी रख सकते हैं। इंडोर आप इसको मत रखिए, इंडोर रखेंगे तो इसका जो कलर है वो मेंटेन नहीं रहेगा। और ये थी आज की जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।